दीपिका पादुकोण ने एक ड्रेस नहीं पहनी, उसने 25 कॉस्ट्यूम पहने, हाय बेगैरतों को देखो, लेकिन इन्होंने पता चल गया कि बेशरम कलर कौन सा है। ये फर्जी चिंटू आते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, कहीं भी जय सिया राम का नारे लगाते हैं, कहीं भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, तो ये तमाम का तमाम इन्होंने भगवा को बेशरम रंग खुद बना दिया है। वो उल्लू का पट्टा जो है, जब हिंदू राष्ट्र के लिए 2 साल पहले कह रहा था, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया मैं जल समाधि लेके मर जाऊंगा। अबे कमबख्त, तूने सही वक्त पे अपने कॉल पे कायम रहता, अपनी बात पे कायम रहता, तू मर गया तो आते तीसरी बरसी बना रहे होते। अभी शाहरुख खान को लेकर काट दूंगा, चिता जला दूंगा, तेरी चिता तो भारतीयों ने उसी वक्त फूंक दी जब तूने कहा था तू जल समाधि लेके मरेगा। कहां मर गए हो तमाम एजेंसी जो 2-2 लाख 3-3 लाख पे इंक्वायरी करती है? तो इसको मालूम करो कि इसके पास, नफरती चिंटू के पास 10 करोड़ कैसे है, जहाँ पे कत्ल करने की बात कर रहा है कि 10 करोड़ दूंगा। हमारा कैनेडियन पुत्र ने एक बनाई थी, तेली आंखें भूल भुलैया, इतने इतने से कपड़े पहनने के, उस पर हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ। तो एमन रिजवी जी लगातार बायकॉटिया गैंग जो है इस तरीके से बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो टीवी मीडिया पर आ रहा है वहीं पर दिखा रहे हैं कि भैया करोड़ों से भी ज़्यादा उस पर लागत में जो है पठान जा रही है और अब जो है उस पर लगेगी भी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पठान मूवी पे सबसे पहले इंटरव्यूज देने शुरू करे तो लोगों को तो शायद पता भी नहीं था कि इतनी हिट जाएगी। सबसे पहले मैंने ही देने शुरू करे और धमाकेदार तरीके से वायरल भी हुए, और अब इतनी ना जितने भी आप कहें चंपक गैंग जो है, ये तमाम ही 2-2 कौड़े गैंग है, इनको खुद नहीं पता था कि इनकी वजह से ही शाहरुख खान को इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। इन्हीं की वजह से फिल्म जो है आज ही सुपर डुपर हिट हो गई। शाहरुख खान ने तो भारी तरीके से अपना पैसा बचाया, प्रमोशन पर जो पैसा खर्च करता शाहरुख खान का प्रमोशन इन 2-2 रुपये के नफरती चिंटुओं ने कर डाला। तमाम जगह करते फिर रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे, आग लगा देंगे। इसकी वजह से लोगों ने भी तो देखा ना कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जो ये आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो अब तमाम जो है आप देखिए, टिकट एडवांस से बुक हो चुके हैं, 110 करोड़ के इसके कॉपीराइट बिक चुके हैं, जो कि एक इतिहास है। बुर्ज खलीफा पे इसका ट्रेलर दिखाया गया, मतलब ये फिल्म कुल मिला के जो है वो धमाल मचाने वाली है और मचा चुकी है। अब तक लगता है 1000 करोड़ पार करेगी ये। लेकिन बायकॉटिया तो बोल रहे हैं कि जैसे ये फिल्म आएगी 25 तारीख को लगेगी सिनेमा हॉल्स पे, तो सिनेमा हॉल्स पे हम चलने नहीं देंगे। ये सिनेमा हॉल तक खुद चल के चले जाए बहुत बड़ी बात है। ये क्या बोला, ये होते कौन है? अब पिक्चर हॉल जहाँ पे सिनेमा हॉल है वो तो इनसे आग नहीं लगवा लेंगे, 2-2 कौड़ी के भग जाके वहाँ पर आग लगा लेंगे, फर्जी नफरती चिंटू आग लगा लेंगे। ये तमाम के तमाम परेशान है क्योंकि इनको किसी ने टिकट ऑफर नहीं करी। आप देखिए कि बजरंग दल ने खुद कह दिया कि भाई बायकॉट करते करते बजरंग दल खुद आ गए कि पहले ही फिल्म हम देखेंगे। तो ये सब इनके ड्रामेबाजी है, इनको पता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा इसने बिजनेस करना है, और लगातार इनके साथ तो और स्कैम हो गया। इनको शायद ये नहीं पता कि मुसलमानों के साथ भाजपा की चाल, लुल्लू मॉल हो, पठान हो या लुल्लू, भक्तों को बनाया उल्लू, इन्होंने मोदी जी ने भक्तों का उल्लू बनाया। आपको शायद नहीं पता बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही हैं कि पठान मूवी में खुद भाजपाइयों का पैसा लगा हुआ है। अच्छा। तो इन्होंने ही अपने भक्तों को उल्लू बजवा दिया, भक्तों इस बात पर ताली और गाली खूब बजाओ। तो यानी कि पठान मूवी कहीं ना कहीं से बीजेपी से रिलेट है, और ये ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान स्कैम था कि ताकि पठान को सब बायकॉट करे और पूरा हिंदुस्तान पठान 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 करता करता बौला हो जाए और पिक्चर हॉल में वायरल हो जाए, और वो काम हो चुका। पठान इसलिए बायकॉट की जा रही है कि पठान है, शाहरुख खान है, या फिर जो पंडित है, जबकि दीपिका पादुकोण खुद पंडित है, तो उन्होंने एक ड्रेस पहनी है ऐसी, आपको मालूम होगा बेशरम रंग में, तो एक ड्रेस के लिए इतना बवाल कट रहा है। नहीं देखिए, दीपिका पादुकोण ने एक ड्रेस नहीं पहनी, उसने 25 कॉस्ट्यूम पहने, हाय बेगैरतों को देखो, लेकिन इन्होंने पता चल गया कि बेशरम कलर कौन सा है। 25 कॉस्ट्यूम में से ही अपना वाला कलर ढूंढ के लेकर आ गया, क्योंकि इनको पता है सन 2014 के बाद अगर किसी कलर को इन्होंने बेशरम बनाया है तो वो भगवा कलर है, क्योंकि भगवा कलर पहनते हैं ये फर्जी चिंटू आते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, कहीं भी जय सिया राम का नारे लगाते हैं, कहीं भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, तो ये तमाम का तमाम इन्होंने भगवा को बेशरम रंग खुद बना दिया है। तो वो 5 सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण ने कॉस्ट्यूम पहनी थी, और मैं बार बार लगातार हर चैनल से यही कह रही हूँ कि अगर चलो शाहरुख खान को तुम कह रहे हो मुसलमान पठान है, फिल्म शाहरुख खान ने नहीं बनाई, गाने शाहरुख खान ने नहीं लिखे, डायरेक्ट शाहरुख खान ने नहीं करी, और बिकनी भी शाहरुख खान ने नहीं पहनी, तो जो दीपिका पादुकोण है जिसने ये बिकनी पहनी है तो वो तो मुसलमान तो नहीं थी, वो तो खुद तुम्हारी कौम तुम्हारी बिन्ना है। और दूसरी बात, शाहरुख खान तो तुम्हारा जीजा है, तो जीजा ने जो कॉस्ट्यूम पहनी है, मतलब जीजा ने जीजा की फिल्म में जो कॉस्ट्यूम पहनी है, तो गौरी छाबरा तो पंडितानी है, तो गौरी छाबरा ने शाहरुख खान का गिरेबान पकड़ के 3-4 तो रेपटे वैसे मारने चाहिए थे। अबे तुझसे मैंने शादी करी,
इनके बोल लफ जिहाद करा, अब तू मेरी भावनाओं को आहत कर रहा है, क्योंकि वो तो पंडिता नहीं है गौरी छाबरा। तो आप एक बात बताइए, अगर गौरी छाबरा की भावनाएं आहत नहीं हुई तो इसका मतलब है कि फिल्म में वाकई कोई भावनाएं आहत नहीं हो रही। और लगातार ये जो ड्रामे कर रहा है, पहले भी भगवा का मिसयूज करते चले, वो ऑरेंज कलर है तो कलर को कलर की तरह क्यों नहीं देखता? अब कह रहे हमने कटवा दिया, पटवा दिया, सीन कट गया। सीन कटवाने से भी क्या होता है? फिल्म तो लोगों ने यूज कर ली, एक एक बंदा रोजाना रोजाना गाना लगातार वो गाना देखे जा रहा है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में कोई गाना किसी ने देखा ही नहीं, ये जो बेशरम गाना जो है लोगों ने देखा। और अभी भी आप देखिए छोटी छोटी रील्स हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हैं, फेसबुक पे पड़ी हैं, इंस्टा पे पड़ी हैं और दिगर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं, उसमें 16 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची और 60 साल की औरत तक इसी गाने पर थिरकती नजर आ रही है। तो तुमने उनको तो रोका नहीं, तो ये तमाम का तमाम सारा ड्रामा है, इसके बाद कुछ नहीं। ये खुद ये जो नफरती गैंग है पॉपुलर होना चाहता है, शाहरुख खान के नाम पर होना चाहता है। यहाँ पर इन्होंने देखा पठान, शाहरुख खान, मैं कह रही मैं इस फिल्म का बायकॉट करती, तुम्हारे साथ बायकॉट करती, लेकिन लॉजिकली तुम सवाल कर दे, लॉजिकली अगर यहाँ पर ये मुद्दा आता कि पठान मूवी में एक गंदा गाना है जिसमें निहायत ही गंदगी तरीके से एक दीपिका पादुकोण ने उल्टे सीधे पॉर्चर दिए, कभी कुत्ता बनी है, कभी बिल्ली बनी है और गंदे गंदे कपड़े पहने, अगर ये वाला मुद्दा तुम लेकर आते, हम और हमारा पूरा जितना एक्टिविज्म का समाज है तुम्हारा समर्थन करता, लेकिन तुम उस पर नहीं कह रहे, तुम ये कह रहे नहीं भगवा बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी, तो वहां पर हम समर्थन नहीं करें, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने 25 पैंटीज पहन दी है, बिकनी पहनी है, तो 25 में तो तुम अपना कलर क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन शाहरुख खान का आप समर्थन कर रही हैं? मैं शाहरुख खान का समर्थन नहीं कर रही, के जो मुख्यमंत्री है अहमद मिश्रा, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो तो पहचान ही नहीं रहे, पूछ रहे। देखिए मैं शाहरुख खान का समर्थन नहीं कर रही, मैं एक लीजेंड एक्टर का समर्थन कर रही हूँ, और मैं लगातार आपके चैनल से कह रही हूँ, शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसके सर पे ताज नहीं है, जिसका साम्राज्य नहीं है, उसको फिर भी आप किंग खान कहते हैं। अभी जैसे आपने देखा असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कौन खान, तो भाई तुम अपने अब्बाजान को नहीं जानते, तुम शाहरुख खान को नहीं जानते। जैसे ही शाहरुख खान ने इनको फोन करा, हाँ भाई अब्बाजान, तो इन्होंने फौरन कहा हाँ तुम मेरे अब्बा जान हो, मेरी माँ के भी तुम जान जान रहे हो, क्योंकि मेरी अम्मा भी तुम्हारी हो रही है, लेकिन क्या करूँ मैं भाजपा से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नहीं, एक बात बिल्कुल नहीं, आप 60 साल की औरत से पूछे, सब कहेगी शाहरुख खान हमारी जान है, आप 16 साल की लड़की से पूछिए, अभी भी अगर शाहरुख खान से कोई शादी करने की बात करे 16 साल की लड़की कहेगी मैं करूंगी। शाहरुख खान एक पब्लिक ड्रोअर है, एक एक्टर, एक भारत का जैम है, और जो लोग शाहरुख खान को कह रहे पाकिस्तान भेज दो, फ्री में वीजा निकाले, भाई शाहरुख खान को शाहरुख खान हम लोगों ने, हम इंडियंस ने बनाया, उसकी फिल्में हमने कि उसको एक्टर लीजेंड एक्टर हमने बनाया, और हम पले पलाए नगीना को पाकिस्तान को दे दें ताकि हमारा जो भारत है वो शाहरुख खान से महरूम रह जाए, और शाहरुख खान जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है वो पाकिस्तान के पास चला जाए। तो जो लोग शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, शाहरुख खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके बही खाते कंघाले जाए, उनका खुदाइयां करी जाए, उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकले, जो शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये जो करवाया गया बायकॉट, ये जानबूझकर करवाया? हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख मैं आपसे कह रही हूं कि ये वाला जानबूझ के कराया गया, और इसमें भाजपाइयों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे से तार निकल कर रहे हैं, बहुत सारे से न्यूज आ रही है, अगर आप जाके देखें प्रिंट मीडिया पे छप रहा है, बल्कि वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह का पैसा लगा हुआ है, जय शाह का पैसा लगा है, और जान के इसको बहिष्कार, क्योंकि ये तो दो दो कौड़ी के भक्त होते हैं ना, इनमें अकल तो होती नहीं, व्हाट्सएप के ज्ञानी होते हैं, उस एजेंडे पे काम करते हैं। अब इनके अब्बाजान का गुफा से इनके पास आया सर्कुलेशन कि भाई इस फिल्म का बहिष्कार करना है, इन्होंने बावलों ने ना फिल्म देखी ना गाना देखा ना कुछ, बहिष्कार 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 करना शुरू कर दिया। उस बहिष्कार से जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा डिनाई करेंगे तो लोग जरूर सोचेंगे आखिर इसमें क्या है, हम भी देखें। तो इसकी वजह से जो डिनाई गैंग की वजह से, बहिष्कार गैंग की वजह से, बायकॉट गैंग की वजह से आज शाहरुख खान की पठान मूवी हिंदुस्तान के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर खड़ी है। आपने अभी राष्ट्रीय धरोहर कहा कि शाहरुख खान राष्ट्रीय धरोहर है, वो राष्ट्रीय धरोहर कैसे है? नहीं तो एक बात बताइए, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाए, बुर्ज खलीफा पे पूरी दुनिया में आज तक किसी फिल्म का नहीं लगा, ट्रेलर नहीं लगा, नहीं लगा, कहाँ लगा, पता आज तक नहीं लगा, शाहरुख खान का लगा। शाहरुख खान कौन है? भारत का है, हमारी पहचान शाहरुख खान की पहचान भारत की है। फीफा वर्ल्ड कप में शाहरुख खान को इस फिल्म के प्रमोशन के लिए बुलाया जाता था, आज तक फीफा का रिकॉर्ड जाके कंगाली है, कभी फीफा वर्ल्ड कप ने किसी भी प्लेयर को, किसी भी एक्टर को अपने किसी काम के प्रमोशन के लिए बुलाया गया, लेकिन ये गौरव भी शाहरुख खान को मिला। शाहरुख खान को फीफा वर्ल्ड कप ने दावत दी, कतर में शाहरुख खान जाते हैं, और शाहरुख खान का ग्रेटनेस देखो, शाहरुख खान ने तो नहीं कहा दीपिका पादुकोण तू पठानी नहीं है, जो जो
उपाधि शाहरुख खान को मिली थी कि ट्रॉफी कुशाई करने की, ट्रॉफी पर से पर्दा हटाने की। शाहरुख खान तो स्टूडियो में बैठे, उन्होंने दीपिका पादुकोण को भेजा कि जा तू हटा करा, और दीपिका पादुकोण हटा, यानी वो सम्मान शाहरुख खान ने, जो शाहरुख खान का सम्मान था शाहरुख खान ने वो दीपिका पादुकोण को दिया, दीपिका पादुकोण हटा करें। आज तमाम दुनिया में देखे एडवांस इसके टिकट बुक चुके हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, तमाम जगह इस फिल्म के टिकट जो है वो एडवांस में बुक हो गए। और आप लोग भी शायद कम डाउन शुरू कर चुके हैं, उल्टी घंटे शुरू हो चुके हैं, क्या पता नहीं क्या होगा। और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग सारे के सारे किसी ना किसी पिक्चर हॉल के बाहर हर शो में आप रिव्यू ले रहे होंगे, और फिर आप कहेंगे हाँ एमन ने ठीक कहा था, ये फिल्म जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी जाएगी और बहुत सुपर डुपर हिट तरीके से ये हिट साबित हो। शाहरुख खान की फैन है क्या? देखिए मैं, हाँ मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। तो आप देखने जाएंगे 25? मुझे आप तो ये नहीं पता कि मैं देखने जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन 25 में तो नहीं पता, हाँ लेकिन 26-27 में फिल्म मैं जरूर देखूंगी। हाँ। क्योंकि मेरा प्रोग्राम लगा है, मुझे चंडीगढ़ जाना है कल। बॉयकॉटिया गैंग आपको फिर अच्छी तरीके से भावनाएं हाथ कर रही है आप? अरे जाइए, उनकी उनकी औकात है कि मेरे पे हाथ लगा दें, औकात है उनकी। कौन कौन सी मेरी वीडियो वायरल, आस्था माँ मेरे नाम पे जाके चमक रही है, मेरे लिए डिजिटल पे लेके बुरखा लेकर आई थी, मैं तेरे लिए भगवा बुरखा लेकर आई हूँ। तुम भी मोदी जी की बहन हो क्या? जैसे वो डिजिटल पे तुम्हें 15 लाख 2 करोड़ जॉब दे रहे, तुम मुझे डिजिटल पे बुरखा देकर चली गई? हाँ। अरे अगर बाकी तुम मेरे लिए सिलवाकर ले, मेरी बहन अगर तुम्हारी औकात नहीं थी, पैसे मैं दे देती, तुम मुझे बुरखा भेजती तो सही। हाँ। कि मैं अपनी बहन के लिए भगवा बुरखा लेकर कह रही है कि मैं अमन के साथ फिल्म देखूंगी। अरे अम्मा पहले तो ये बताओ कि तुम बहिष्कार गैंग वाली हो क्या फिल्म देखने वाली? इनको यही नहीं पता, एक तरफ तो कह रही है कि हम जो है फिल्म का बहिष्कार करें, दूसरी तरफ कह रही है आस्था माँ कि मैं अमन के साथ फिल्म देखूंगी। तो आप ये बताओ कि आप फिल्म देखोगी या फिल्म का बहिष्कार करोगी? दूसरी तरफ कह रही तू जिहादी है, तू भी है, तू पहचान छुपाती है। यानी हम सर कवर करते हैं तो हम पहचान छुपाते हैं। आपने भी तो सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। एक तरफ आपके नफरती चिंटू तमाम नकली भगवा आप हिजाब का बायकॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हिजाब लगाकर जंतर मंतर पे खड़ी हुई थी। तो इन लोगों को तो खुद नहीं पता ये आखिर किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बस इनको नागपुर से नाजायज फरमान मिलता है और ये उस पर कूदना फांदना शुरू कर देते हैं। और ये आस्था मां, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं माजी आस्था मां, आपने मुझे बहन का डिजिटल पे ही कहा, लेकिन मैं आपको दिल से बहन कह रही हूँ। मेरी माँ आप जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं, वो नरसिम्हा स्वरानंद जिसको मैं स्वर कहती हूँ, जो आपका भाई है, उसके साथ आप तमाम धर्म संसद में थी जहाँ पर मुसलमानों को मारने की, काटने की, तलवारें चाकू चूरे तेज कराने की बात करी, आप कौन सी शांति की बात करती हैं? और रही बात आप शांत, अगर आप कलरों में ईमान ढूंढनी है, कलरों में मजहब ढूंढनी है, कलर कोई किसी धर्म का नहीं होता, हिंदू शेर नहीं कहा जाता है उन्हें। नहीं नहीं, शेर नहीं तो किसी को भी बना दो, कागज में शेर नहीं होता, किताबों में शेर नहीं होता, निकल निकल के भागते हैं। हाँ। आप किताबों में देखो बच्चों से कहते हैं देखो एल्फ और लॉयन। हाँ। क्या वो लॉयन निकल के जाता है? हाँ। तो ये ऐसी ही कागजी शेर है ये। और अगर नहीं नहीं अगर नहीं मैं आपको कह रही जैसे अगर ये आस्था का मसला है, अल्लाह पे केस ठोको सारे के सारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पान बनाया, पान मुसलमान बनाया हरा है ना, हम हरा पान खाते हैं, हाक थूक करके भगवा थूकते हैं। हाँ। तो जाओ अल्लाह पे केस करो कि पान क्यों बनाया, संतरा क्यों बनाया मेरे रब ने। हाँ। तुम तो नकली संतरे हो ना, मेरा खुदा तो ना मालूम कितने साल पहले संतरा बना चुका। हाँ। तुम नागपुर के संतरे जो कूद कूद के बहिष्कार बहिष्कार कर रहे, संतरा खा के हम छिलके फेंकते हैं, खाते तो नहीं, और तुम्हें वाकई इतनी आस्था है भगवा से? तो जहां जहां संतरे के छिलके फेंके जाते हैं, सारे छिलके उठाओ, उनको रखो, चूमो, चाटो, क्योंकि तुम्हारी आस्था का मामला है। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी, कलरों पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, वो ऑरेंज कलर है, और अगर बाकी आपको भगवा कलर लग रहा है तो भगवे को आप पेटेंट कराइए कि भगवा कलर हम ही यूज करेंगे। जो बायकॉट गैंग है वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो फिल्म को फ्लॉप कराना है, चाहे जैसे हो। हाँ। ये अरे ये खुद फ्लॉप, एक बात बताइए, एक घंटे की मूवी में इन्होंने अपनी फाड़ के रख रखी है, 1.5 महीना हो गया ना कूदते कूदते। हाँ, हाँ। 1.5 महीने बहुत हो गए, इनकी चटियां फट गए, इनके जूते फट गए, मस्जिदों में मंदिरों में चुराते फिर रहे हैं कि कहां से जूते चुराए। इतने तुम्हारे में दम खम था तो ये फिल्म तो बैन हो जाती, मतलब 1.5 महीने से 54 चोर कूद रहे हैं, इनकी लंगोटियां फट गए, जूते फट गए, लेकिन इस फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, फिल्म को और जबरदस्त तरीके से करिए, 10 पड़ती तो 100 पर तुमने लाके खड़ा कर दिया, तो तुम्हारे बाप की हिम्मत ही, तुम इस फिल्म को फ्लॉप करा। क्या बिगड़ा? अरे चना, इनके तो खुद औकात नहीं कि 5 किलो चना लेकर बैठ जाए, इनके खुद औकात नहीं, उसके लेकिन इनको पूरे 1 महीने फर्जी ट्यूट करने पड़े, क्योंकि 2 रुपए मिलते हैं इनको भाई। शाहरुख खान जो 20-25 गांव अडॉप्ट करे हुए हैं, शाहरुख खान जिसने गांवों में ज्यादा सबसे ज्यादा शौचालय बनाए, शाहरुख खान जो सबसे ज्यादा डोनेशन देता है, शाहरुख खान जो एक मीर फाउंडेशन चलाता है जिसमें ज्यादातर एसिड अटैक की लड़कियों के ऑपरेशन कराए जाते हैं, आप जानते हैं शाहरुख खान के बारे में? आपको पता कि शाहरुख खान का तुम्हारा बाप है शाहरुख खान? शाहरुख खान का तुम मूंछ का बाल नहीं उखाड़ सकते। फिल्म तो बहुत दूर के बाद है, तुम फ्लॉप करवाओगे। बजरंग दल तैयार है,
अरे चमड़ी तो इनकी हम उधेड़ेंगे, आए तो सही, आए तो सही, चमड़ी तो हम उधेड़ेंगे, आए नजर तो आए, यहाँ भौंकने से, डिजिटल में भौंकने से क्या जरूरत है, आओ 25 तारीख में हम देखेंगे ना तुम्हें। एक बाबा ने तो कहा था कि चमड़ी उधेड़ करके जो है मैं जला दूंगा, उसको फूंक दूंगा। अरे वो पागल आदमी, वो सही वक्त पे अगर मर गया होता, आप मुझे मालूम, जल समाधि करने वाला है वो, उल्लू का पट्टा जो है जब हिंदू राष्ट्र के लिए 2 साल पहले कर था, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया मैं जल समाधि लेके मर जाऊंगा। अबे कमबख्त तूने सही वक्त पे अपने कॉल पे कायम रहता, अपनी बात पे कायम रहता, तू मर गया होता आते तीसरी बरसी बना रहे होते। फिर तूने कहा लुल्लू मॉल को आग लगा दूंगी, अबे उल्लू के पट्टे लुल्लू मॉल भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तूने लुल्लू मॉल को भी आग नहीं लगाई। अभी शाहरुख खान को लेकर काट दूंगा, चिता जला दूंगा, तेरी चिता तो भारतीयों ने उसी वक्त फूंक दी जब तूने कहा था तू जल समाधि लेके मरेगा। कह रहा 10 करोड़ दूंगा, किसको बेचेगा बे, पूरे आरएसएस को बेचेगा, तेरी लंगोटी है 10 करोड़ की, तू 10 करोड़ देना, और अगर तू 10 करोड़ का इनाम रख रहा है, कहां मर गया तमाम एजेंसी जो 2-2 लाख 3-3 लाख पे इंक्वायरी करती हैं, तो इसको मालूम करो कि इसके पास नफरती चिंटू के पास 10 करोड़ कैसे आया, जहां पे कत्ल करने की बात कर रहा है कि 10 करोड़ दूंगा। तो इन पे काम होना चाहिए, इन पे होना चाहिए, पूरे भारत को खराब करना चाहते हैं यार। फिल्म को फिल्म की तरह क्यों नहीं देखते? पठान मूवी एक एंटरटेनमेंट के लिए है, तुमने एक तो हिंदुस्तान में इतनी अराजकता मचा दी कि हर इंसान को लगता है, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे सरदार हो, चाहे किसान हो, सबको लगता है अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, मरने वाले हैं, तो 1 घंटे भी खुश नहीं। भगवा बुर्का पहनेंगे आप फिर? नहीं तो मैं तो भगवा स्टॉल अब भी पहन रखा है, भगवा ये उनके पहनने से नहीं पहनूंगी, मुझे जो मर्जी मैं पहनना चाहूंगी पहनूंगी, बात भगवे बुरके की है ही नहीं। अगर आप मेरे लिए बुरका लेकर आई थी और पूरे सोशल मीडिया पे आपने उसको पब्लिसिटी दी कि देखो मैं एमन रिजवी के लिए बुरका लेकर आई हूँ, तो आपको देना था, आप देंगी जब मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगी? अगर मुझे मालूम कि पूजा तुम आस्था माँ तक जा सकती हो, तुम उनके इंटरव्यू करती हो, तो अगर मुझे आस्था माँ को कोई गिफ्ट देना होगा मैं आपको दूंगी नहीं दूंगी, या खाली वीडियो में दिखा दिखा के मैं बुरखा लेकर आई, मैं बुरखा लेकर आई, मैं बुरखा लेकर आई, अबे देखे तो जाती, दिया क्यों नहीं? यानी आपकी नजर में फुतूर था, आप सिर्फ एमन रिजवी के नाम से पॉपुलर होना चाह रही थी, आपको क्योंकि पता है कि एमन रिजवी की वो आग तू संतरे वाली वीडियो 70-80 करोड़ जा चुकी है, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं बुरखा दूं, शायद मैं भी चली जाऊं, कुछ 10-12 करोड़ मुझे भी देख लें। नहीं मैं क्यों बुरखा दूंगी, मैं तो उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हूं कि जो आपका जो भैया है वो नरसिम्हा स्वरानंद, जिसने एक 12 साल के बच्चे को उस वक्त मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश करी थी जब वो मंदिर में पानी पीने गया था। आप तो माँ हैं, आस्था माँ हैं, आप जननी हैं, कैसी माँ हैं आप आस्था माँ? आप राखी पे मजाक उड़ा रही थी, राखी सावंत दर्द में थी, आप आदिल से चल के जाएगा, मिला आदिल से चल के जाएगा, अरे वो रो रही थी, तड़प रही थी, और आप उसके साथ खड़े होने के बजाय आप सोशल मीडिया पे अपनी बहन को बदनाम कर रही थी। आप तो राखी सावंत के लिए खड़ी होती, चलती, कहती अमन रिजवी भगवा छोड़, चल आदिल के पास जा रहे हैं, मैं जाती आदिल के पास, आदिल का गिरेबान पकड़ के लेकर आती कि तेरी हिम्मत कैसी हो, तूने राखी सावंत को धोखा दिया। आखिरी सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि इन जिहादियों को सनातियों के विरुद्ध ही फिल्म क्यों मिलता है इसी तरह के बनाने के लिए, मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं बनाते? नहीं तो अम्मा तूने निरोपा की फिल्म नहीं देखी जिसमें हनीमून मना रहा था तुम्हारा सांसद है आजमगढ़ का, पलंग पे आधा हनीमून मना रहा था, वो नहीं देखी? तुमने तमाम भोजपुर फिल्में नहीं देखी जहाँ टिप टिप बरसा पानी, क्या कर रहा रवीना टंडन के साथ तुम्हारा कैनेडियन पुत्र, कर रहा उल्टी सीधी हरकतें? तमाम भोजपुरी एक्टर फिल्में बनाते नहीं जब तक उनका आधा हनीमून नहीं हो जाता। तुम्हारा कैनेडियन पुत्र ने एक बनाई थी तेली आंखें भूल भुलैया, इतने इतने से कपड़े पहनने के, उस पर हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ, तब तुम्हारी आस्थाएं कहाँ चली जाती है? चने बेचने चली जाती हैं, धनिया बेचने चली जाती हैं, या नशा खा के नागपुर में जाके सो जाती हैं? हाँ पठान मूवी 5 सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण जो तुम्हारी ही बहन है अगर वो बिकनी पहन लेती है तो तुम्हारे सबके लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब तुम्हें लगता है भारत का एजेंडा यही है कि हम बिकनी, अरे बिकनी पे पॉलिटिक्स करना बंद करो, बिकनी पे बेरोजगारों को रोजगार देना बंद करो, अश्लीलता पे बात करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कलरों पे अगर तुम बात करोगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि कलर मेरे खुदा ने उतारे हैं, कलर पे किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कॉपीराइट नहीं है, चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, सारे कलर मेरे खुदा ने मेरे लिए बनाए हैं।